आप इंटरनेट में लिखोगे ना, रिव्यू आर्टिकल इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। रिव्यू क्या होता है कि रिव्यू के अंदर ना हम जो ऑलरेडी रिसर्च हुई होती है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर, तो उसको हम क्या करते हैं, उस सारे नॉलेज को एक कंसाइज करके एक आर्टिकल की फॉर्म में उसको फिर पब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये है कि आपको ना बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। रिसर्च पेपर पढ़ के फिर उसमें से जो नॉलेज है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको एक समराइज करना है उस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट किया ये आप रिव्यू आर्टिकल है नेचर के, ये दुनिया का बहुत अच्छा प्रेस्टीजियस जर्नल है नेचर। ये देखिए आप इसमें देखें कि डिफरेंट ये टॉपिक इस तरह के होंगे, आप लोगों के आपने खुद सेलेक्ट कर लिए, आप लोगों ने खुद सेलेक्ट कर लिया। ये डाइवर्स रोल ऑफ साइटोकाइनेसिस इन रेगुलेटिंग लीफ डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या है कि साइटोकाइनेसिस का रोल बताया गया है इन लीफ, ठीक है। अब आप ये भी प्रूव कर सकते हैं पर क्या कर दो पर ये इसके ऊपर ऑलरेडी आप ये कर सकते हैं डाइवर्स रोल ऑफ ऑक्सिन ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है एपिक्स के अंदर, ठीक है। स्टार्ट से लेकर जिस बंदे ने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की है वहां से लेकर 2021 के आज तक के जितने रिसर्च पेपर है ना वो सारे आप लोगों ने पढ़ने हैं और उसमें से नॉलेज लेके उसको रिफ्रेश करके उसकी प्लेजरिज्म रिमूव करके वो आपने एक आर्टिकल की फॉर्म में फिर आप वो आर्टिकल पब्लिश करोगे। क्या करोगे आप ये भी कह सकते हैं कि आप आपका टाइटल ये हो सकता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, इन एज अ कमर्शियल मेथड फॉर प्रोपेगेशन इन फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। आगे लिख देंगे एडवांसेस एंड प्रोस्पेक्टस या करंट स्टेटस एंड फ्यूचर डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने जो भी जेनेटिक रेगुलेटर ऑफ लीफ साइज इन ब्रासिका, ये आप किसी भी चीज में लिख सकते हो, जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ लीफ साइज या फ्लावर फॉर्मेशन इन सिट्रस, हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे ही रहना है। आप लोगों ने कहा रहना है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पे रहना है। अब मैं आपको ये जो है ना डाइवर्स रोल ऑफ साइटोकाइनेसिस इसकी देखो ना इन्होंने स्टार्ट कहां से किया है, ये आप आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये टॉपिक फिर आपने अपने नाम पे नीचे एप्लीकेशन कहां पे है, अब आपकी यहां पर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। और उस उसके बाद ये आप अपसेट लिखेंगे, अपसेट क्या है कि वो आप इस सारे आर्टिकल के अंदर क्या रिव्यू करने लगे हो उसके बारे में ब्रीफ 8-10 लाइनें लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर आप क्या करोगे इंट्रोडक्शन, अब देखो ना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कहां से किया है इन्होंने, इन द लेट 1950s a substance that promote plants and trees was discovered, kya matlab kya lambe se lakshan mein starting point hai us time 1950s mein ek aisa compound discover hua jo ke cell division ko enhance karta hai, kya karta hai, zahir hai agar cell division hogi to plant ki growth hogi, agar cell division nahi hogi अगर जाइगोट बन गया उसके अंदर साइड डिवीजन नहीं होगी तो कैसे एम्ब्रियो बनेगा, जब एम्ब्रियो जर्मिनेट कर रहा है तो क्या होता है
सेल डिवीजन होती है, लीफ बनता है, लीफ के बाद उसकी सेल डिवीजन होती है। इट मीन सेल डिवीजन इज द मेजर मैकेनिज्म इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो प्लांट सेल है, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के सेल के अंदर इसकी डिवीजन कैसे होती है, ठीक है, वो कौन से मैकेनिज्म है या वो कौन से केमिकल्स है जिनकी स्प्रे करेंगे तो सेल डिवीजन ज्यादा होगी। इट मीन जितनी ज्यादा सेल डिवीजन होगी उतना फ्रूट का साइज ज्यादा होगा, इट मीन आपकी क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस होगी, सही है। इसमें जितनी ज्यादा सेल डिवीजन होगी उतना लीफ का साइज ज्यादा होगा, जितना लीफ का साइज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी। इट मीन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है, इन हॉर्टिकल्चर रिसर्च या प्लांट साइंस रिसर्च, ऐसे ही है ना। तो ये उन्होंने कहा कि ये वहां से उन्होंने स्टार्ट किया 1950s में, ठीक है, 1950s में एक साइंटिस्ट था जिसका था ना नाम था प्रोफेसर एंड स्कूल, ये दोनों टीचर स्टूडेंट थे दोनों, इन्होंने ना एक देवा वर्किंग ये एक्सपेरिमेंटल मीडिया के ऊपर काम कर रहे थे कि कौन से मीडिया बना के इन्होंने कैलस बनाने, कैलस से कहते हैं तो इन्होंने डीएनए भी मीडिया के अंदर डाला, कहते हैं शायद इससे सेल्यूलर हो जाए, लेकिन सेल्यूलर नाम भी फिर इन्होंने क्या किया कि एक उनके पास ना डीएनए पड़ा था पुराना, एक साल पुराना, एक साल पहले एक्सीडेंट किया हुआ था जिन्होंने अपने किसी उधर लैब के किसी फ्रिज में पड़ा था, एक साल बाद फिर इन्होंने क्या किया कि वो डीएनए लिया, उसको कैरे के वो जो चीज है जो भी उसको ऊपर डाला, तो थोड़े मीडिया के ऊपर वो लीक करते हैं जो भी, तो थोड़ी देर में ही सेल्यूलर स्टार्ट हो गई, क्या हो गई, मास ऑफ सेल बन गया। तो बहुत से उन्होंने अब इस रिसर्च क्या अब डीएनए एक साल के अंदर क्या हुआ कि वो सेल डिवीजन हो गई। अब इसमें से क्वेश्चन नहीं होता है ना, जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर जो भी चीज होती है उसमें क्वेश्चन रेज करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं कि व्हाई दिस हैपन। अब उसको उसका आंसर देने के लिए जब उसने देखा कि उसके अंदर ना कुछ कंपाउंड्स उसको मिले जो कि आपको पता है डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, ये इस तरह की एक मार्कर नहीं है, अच्छा डीएनए के अंदर ना एडेनिन होती है, गुआनिन होती है, साइटोसिन होती है, आपको पता है कि इसके अंदर एक बेस होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और उसके ऊपर एडेनिन लगा होता है, इस तरह फास्फेट ग्रुप होता है। इनके इन्होंने एक ऐसा कंपाउंड मिला जिसके अंदर इसका जो एडेनिन वाला पार्ट है ना वो अलग हुआ होता, क्या था, राइबोस शुगर और फास्फेट अलग थे, एक इन्होंने कंपाउंड मिला जिसके अंदर ऊपर वाला जो थी ना एडेनिन वाला पार्ट अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं अगर पूरा हो, लेकिन वो ये डीऑक्सीराइबोस या जो भी है वो पूरे उसकी बजाय सिर्फ ऊपर वाला नहीं, वो जो लिंक टाइप होता वो लेना मिला इनको, ठीक है, तो उनको इन्होंने कह दिया काइनेटिन, या उस तरह का कंपाउंड था या उसके डेरिवेटिव थे, डेरिवेटिव का मतलब उसका किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके कोई और कंपाउंड, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हुई थी जो एडेनिन के ऊपर वाली थी, मेरी बात की समझ आई, बाकी जब उसके डेरिवेटिव थे जब डेरिवेटिव तो उतना जो उससे मिलते जुलते जो कंपाउंड थी तो उस डीएनए से मिले, तो पता चला कि बाद में फिर इन्होंने क्या किया कि दोबारा से टेस्ट किए जाए एक्सपेरिमेंट किए, अब लार ए जब वो फ्रेश डीएनए इस बात करते था वो डेरिवेटिव नहीं थे, उसके अंदर वो जो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर वाला एडेनिन वाला पार्ट होता है वो नहीं था, लेकिन
स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। ये देखो जो वही है ना विद्युत है ना उसकी तरह एडिनिन की तरह की डिफरेंट इसकी विद्युत की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई ये कहानी, बात की समझ आ गई अब आपको। तो इस तरह इस बंदे ने क्या आप इस पेपर के अंदर इसने यहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर इसकी एप्लीकेशन, फिर ये कैलेटन जब डिस्कवर हुई इसके बाद इसमें से और कई क्वेश्चन अब रेज होते हैं। सेलेनियम होती तो है कैसे होगी। ठीक है, कैलेटन ये कंफर्म हो गया कि कैलेटन को हम मीडिया के अंदर डाले तो सेलेनियम हो जाती है। अब ये आगे जाके क्या करता है सेल के अंदर, सेल को कैसे सेलेनियम के ऊपर मजबूर करता है कि सेल डिवाइड हो जाए, या वो कौन से ऐसे और केमिकल्स को जाके ये एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से सेल डिवीजन होती है। फिर इस तरह के कंपाउंड क्या नेचुरली प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये आपने इसके ऊपर भी लिखेंगे। अच्छा, इसकी डिफरेंट टाइप्स कितनी है। ठीक है, फिर ये किन किन जेनेटिक्स मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, या ये काइनेटिन किन किन कंडीशन में प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है, फिर काइनेटिन को कौन प्रोड्यूस करता है प्लांट के अंदर, अगर नेचुरली ये प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसा ही है ना, वैसे ही रेज हो गए ना। आप मेरे कहा कि आप रिसर्च करते हो अपने टॉपिक के ऊपर ना, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज करते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज करते हो, तो तब फिर आप उसके आंसर ढूंढते हो। जो रिव्यू आर्टिकल होता है उसके अंदर आप हर टॉपिक के ऊपर जो भी आप उसको खरीद रहे हो उसमें क्वेश्चन रेज करते हैं, फिर उस क्वेश्चन का आंसर विद देयर रेफरेंस। अच्छा, एक और बात, आप रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल लिखते हो तो उसमें सब्जेक्ट साइंटिफिक राइटिंग लिखते हो, उसके अंदर जो भी आप एक स्टेटमेंट लेते हो ना, जो भी आप एक स्टेटमेंट लेते हो वो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने वो काम किया होता है। ये बात समझ आ गई, वो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने वो काम किया होता है। अगर आप दे उस आपने कोई आर्टिकल लिखना है उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है तो आपने उस साइंटिस्ट का रेफरेंस जरूर देना है। जिस तरह ये इन्होंने ये वन लिखा हुआ है कि इन द लेट 1950s सब्सटेंस दैट प्रमोट्स प्लांट सेल डिवीजन वाज डिस्कवर्ड इन ऑटोक्लेव, वही ऑटोक्लेव
स्पर्म डीएनए कॉल्ड काइनेटिन। अच्छा अब ये देखें इसका ये रेफरेंस साथ में दिया हुआ है, ये देखें ये मैंने वन के ऊपर क्लिक किया तो ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि दो साइड है, दो साइड से ये क्या नाम था और उसका ये साथ में सारा रेफरेंस दिया हुआ। आपने भी हर स्टेटमेंट जो लिखी है आपने उसका रेफरेंस जरूर लेना है, लेटस क्या है, इस एनुअल कूल सीजन लीफी वेजिटेबल विच बिलोंग टू द ट्राइब ये और फैमिली कंपोस्टी। अब ये किसी ना किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी होगी या किसी ना किसी रिसर्च आर्टिकल के अंदर, तो वो मैंने ये हसन एट अल पिंक एंड कैन 1993 ये इसके अंदर इस साइंटिस्ट ने इस लेटर्स के बारे में डिस्क्राइब किया और इसकी कौन सी है जरा आपने कौन सा डिस्क्राइब की, अगर आपने यहां पर रेफरेंस नहीं दिया लेकिन इसको दोगे मेरी बात समझ आई है आपको, तो सीधे नौकरी भी खत्म होगी। मैं कई बंदों को जानता हूँ, एक अमेरिका में है क्लॉड पॉके, वो प्लांट बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा ग्राम है, उसके एक स्टूडेंट ने एक काम किया कि कैसा पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर वो फेक डाटा था, हालांकि वो बंदा नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनी था, इतना बड़ा साइंटिस्ट था उसका जो नॉमिनी था नोबेल प्राइज, और इवन टेलीफोन प्लांट साइंस सेंटर है यूएसए में उसका वो डायरेक्टर भी था, उसके एक ना इजिप्शियन के इस तरह का स्टूडेंट का स्टूडेंट था जो यूएसए में उसके साथ काम करता था, उसने कोई ऐसा फेक डाटा पब्लिश किया, बाद में किसी को पता चल गया कि ये उसने ये काम किया था कि गलत है, उस बंदे को उस स्टैनफोर्ड प्लांट साइंस सेंटर की डायरेक्टरशिप से भी और नौकरी से भी इवन उसको भी जुर्माना भी होगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी आपने काम करना है साथ में रेफरेंस जरूर देने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ कि आपने कैसे लिखना है। ठीक है, फर्ज किया अब अगर हमने इस पेपर में से कुछ चीज लेनी हो, इस पेपर में से अब इसको पहले तो आप पूरा पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन है, कनेटन है, फिर जैसे इसके डिफरेंट मॉलिक्यूलर पाथवेज है जिसके अंदर ये कैसे साइटोकाइन एक्टिवेट होती है, कैसे ये प्लांट के अंदर सेल रिलीज को एनहांस करती है, तो फिर आपने फिर इसके लीव के स्टेजेस है, फर्ज किया हमने ये इसके बारे में। अच्छा अब ये है कि कंट्रोल एन, ये मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोल दिया और ये इसका टाइटल हमने लिख दे दी काइनेटिन साइटोकाइनिन डिस्कवरी। ठीक है, एंड एप्लीकेशन इन फर्ज किया प्लांट साइंस, इस तरह का फर्ज किया हम कह रहे हैं कि नया टॉपिक है ये, इसके ऊपर हम। अच्छा अब मैं इंट्रोडक्शन पे डायरेक्ट जाता हूं, इंट्रोडक्शन फर्ज किया, अब आप लिख देंगे साइटोकाइनन
वाज एक्सीडेंटली, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, इसमें लिखना है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपने वो सारा डाटा कंसीव करके उस नॉलेज को अपने रिफ्रेश करना है, आपने क्या करना है इससे एक बार आपको राइटिंग आ जाएगी, मुझे साइंटिफिक राइटिंग ऐसे भी आती है, ठीक है, आपने उसको सारे जो पढ़ते हैं उसको अपने लफ्जों में लिखना है, ठीक है, और इंग्लिश बहुत अच्छी लिखनी है, ओके इंशाल्लाह जब आप बी एस सी एम एस सी पी एच डी तक जाओगे आप लोगों ने रिपोर्ट्स लिखनी है, थीसिस लिखने हैं, रिप्रेजेंटेशन देनी है इंटरनेशनली भी लोकल भी, तो आप वहां पर अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, तो वो प्लेजरिज्म के बगैर मांगते हैं वो, ठीक है, मेरी बात की समझ आई आपको, और आपने एग्जैक्ट वैसे आपको एक राइटिंग स्किल आ जाएगी, आपकी साइंटिफिक राइटिंग होती क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, जो सादी सी असाइनमेंट जमा करवाने की बजाय हमें आपको ये सिखाना चाहिए कि ये असाइनमेंट कोई ना कोई तो दे रही है 1250 नंबर की है, इसमें आप लोगों को साइंटिफिक स्किल्स आ जाएगी, मेरी बात की समझ आ गई आपको, अच्छा साइट वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड इन 1950s, ठीक है, अच्छा अब इसका रेफरेंस कैसे देना है हमने, इसका है उसका फर्ज क्या, हमने भी एक पेपर से पढ़ा है, ठीक है, अब इस पेपर का रेफरेंस आप कैसे दोगे, इसको पीछे में लेके जाओ, ठीक है, अच्छा अब ये है रोल ऑफ फर्ज क्या, इस रोल ऑफ इसको क्या करते हैं, इसको कब ये है, आपने रेफरेंसेस कैसे करने हैं कि अब आपको ना मैं एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने रेफरेंसेस के अंदर ऐड करने हैं, ठीक है, अब ये देखिए उसका नाम है एंड्रॉइड, क्या है ये एक लाइब्रेरी है, एंड्रॉइड क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप रेफरेंसेस की लाइब्रेरी बना लेते हो, इवन आप अपनी पीडीएफ सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर लेते हो, लोकल लाइब्रेरी को बन जाती है कि आपको पेपर किया इसके अंदर सारे पेपर उसके पीडीएफ वो सारे इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, या फिर आपने कुछ किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना उसके अंदर सर्च करें आपकी लोकल लाइब्रेरी बन जाती है, एक किस्म की तरह की समझ आ रही है, इंटरनेट की जरूरत ही होती है आपको, जैसे आप वहां पर सर्च करें और आप अपना वहां जाके आपने कल से ये आना शुरू होता है, अब यहां पर आपने बल्कि आप लोग ना अपनी एक प्रोफाइल भी बना लेंगे गूगल स्कॉलर पे, अब ये है वो पेपर, ठीक है, रोल ऑफ कवर्स रोल ऑफ साइटोकाइनेज इन रेगुलेटिंग लीफ डेवलपमेंट, अब यहां पर ये दो लाइनें जा रही है, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहां पर एंड नोट लिखा हुआ है, आपने इस एंड नोट को क्लिक करेंगे, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक नीचे से डाउनलोड हो जाएगा, अच्छा और आपका इससे पहले आप लोगों ने अपना एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, और इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके एंड्रॉइड लाइब्रेरी का पार्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपकी अपनी लाइब्रेरी का, ये देखिए बूट हो रहा है, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये इसके अंदर अब आपका ये जो रेफरेंस है वो आपकी लाइब्रेरी का पार्ट बन गया, अब आपने यहां से ऑल रेफरेंस में जाना है, बस कि आप यहाँ पर साइटोकाइन, अब आपने आपको पता ही लग रहा है कि आपका रेफरेंस कहाँ चला गया, आपने क्विक सर्च में जाना है, यहाँ पर क्या करना है साइटोकाइनिन, ये देखिए आ गया, ठीक है आ गया, अच्छा अगर तो ये यहाँ पर सर्च करें तो यहाँ पर रेफरेंस आना चाहिए, तो यहां से फिर आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है, जब आप इसको कॉपी करोगे फिर आप यहां इसको पेस्ट कर दोगे और इसको आगे डॉट, अच्छा अब ये बता दिया कि ये रेफरेंस इधर ऐड हो गया, अब आप इसकी वो पूरी डिटेल भी तो लिखनी होती है ना पीछे, एड आप लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आप निशान की आर्टिकल पढ़े हो जिसके अंदर है, अब आपने क्या करना है कि ये एंड नोट एक्स फाइव आपका ना इधर
वो आ जाएगा एज ए टैब। अब आपने इसको ना अपडेट कर देना, जब आप इसको अपडेट करोगे ना, ये देखिए ये खुतबा होती है, इसने रेफरेंस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एड। यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। वो खुद का खुद ही ये जो लाइब्रेरी है वो आप उसके अंदर रिपोर्ट कर लोगे चीजों को, और वो सारे का सारा रेफरेंसेस आपके इस पेपर के अंदर जो आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो उसके अंदर आते जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपने दो दो पत्रों पर तीन तीन पत्रों पर आपने मेजर ग्रुप आप 11 बनाए, ठीक है, हर एक के अंदर आप मुझे बता देंगे इतने ये बच्चों का ये टाइटल है। अच्छा, और आपने वो भी कुछ डिसाइड करके मुझे बताना है, आप ग्रुप के अंदर मुझे ऐड करोगे तो मैं आप मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना ताकि मैं फिर आप मुझे पता हो कि मैं किस स्टूडेंट के साथ इससे पीछे मैंने क्या इसके साथ कोरेस्पोंडेंस की है। तो डेली पे डेली आप लोगों ने मेरे साथ लिख के आपने सेंड करते जाना है। मैंने कहा था कि सारा एक ही बार धारा लिखेंगे, आप 7-8 पेजेस का आप लोगों ने जो लिखना है जितना लिखते जाए वो मुझे सेंड करते जाए, मैं उसको चेक करता जाऊंगा, जो उसके अंदर गलतियां होंगी मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूंगा। जब उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट जहरा इंप्रूवमेंट अभी तो आप बिल्कुल ही अभी पहली स्टेज के ऊपर है, जहां गलतियां होंगी ये तो नहीं है गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको फिर करेक्शन करनी है हम लोगों ने, ठीक है। और इस तरह हम वो विल कीप ऑन ट्राइंग दिस, तो इंशाल्लाह हम एक बहुत अच्छा रिसर्च आर्टिकल, फिर हम ये रिसर्च आर्टिकल इसी तरह के रिसर्च पेपर के अंदर हम इसको पब्लिश करेंगे और आपकी पहली पब्लिकेशन होगी। ये मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने एक टॉपिक पकड़ना है उसके बारे में कुछ 25-30 रिसर्च पेपर पढ़ने हैं और हर रिसर्च पेपर को समराइज करके आप लोगों ने उसको इस तरह लिखना है। जब आप लिखोगे ना आपके अंदर एक बहुत अच्छा तो कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। स्पोर्ट्स पैसे के बच्चे हैं आप लोगों के जो भी रिसेंट वो पिछले साल उन्होंने मेरे साथ काम किया था, माशाल्लाह उनके तो 4-5 पर रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए। क्या हो गए? रिसर्च पेपर। उन्होंने साथ में इसका रिसर्च भी की थी, लेकिन ऑनलाइन हमने एक इस तरह का काम किया था, कुछ हमने ना कुछ और काम भी किया था, ठीक है, जो कि लैब टाइप वेट लैब टाइप रिसर्च थी। मुझे ना उनमें से पहले 6 बंदों के साथ काम किया, जब उनको पेपर वो बचे हुए बाकी बच्चों को भी शौक हुआ, ये इससे हट गया था, ठीक है। तो फिर अब माशाल्लाह 12 और रखी है। अब मैं कोर्स वैसे को पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि हॉर्टिकल्चर का कोर्स नहीं है उधर ना, लेकिन बच्चे मेरे साथ लगे हुए हैं काम करने, ठीक है। तो इस तरह व्हाट्सएप का ग्रुप बना लूंगा, मैंने डेली का डेली उनको बताता हूँ कि आज आगे ये काम करना है, आगे ये काम करना है। वो जब बच्चे इंशाल्लाह 8वें सेमेस्टर में जाएंगे ना तो इंशाल्लाह इतना बिल्कुल डिफरेंट तरह की अप्रोच के साथ इंशाल्लाह उनके 8-8, 10-10, 12-12 पब्लिकेशन होगी, क्योंकि रिसर्च पब्लिकेशन इतनी हो जाए ना उनको डायरेक्ट PhD का एडमिशन मिल जाता है। यू डोंट नीड टू गो फॉर MPhil, ठीक है। यूके में जिनकी इतनी ज्यादा पब्लिकेशन हो आउट डूइंग MPhil वो PhD का एडमिशन मिल जाता है, पाकिस्तान के अंदर जिनकी इतनी ज्यादा पब्लिकेशन उनको MPhil और PhD का स्कॉलरशिप मिल जाता है। मेरी बात की समझ आई? तो इस तरह आप लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करोगे। अब अपलोड वाली ये जो फाइल है ना ये मैं आपको ना एक वीडियो भेजूंगा तो उसके अंदर लिखी होगी, उसके अंदर वीडियो में सारा बताया होगा कि इसको मैं आपको वो साल क्या तो क्रैक कैसे करना है। नॉर्मली तो ये बड़ा महंगे है सॉफ्टवेयर, लेकिन मैंने उसके अंदर एक ना ऊपर क्रैक लिखा हुआ है कि क्रैक वाली फाइल आप कॉपी करके पेस्ट कैसे करोगे, उसे आपका जो एंड्रॉइड का जो सॉफ्टवेयर है वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपका ना एक आर्टिकल लिखा जाएगा। तो सीआर फेयर वो अटेंडेंस लगा होगी तो फिर वो ऑनलाइन वाला है आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेनी हमने।
चलो मुझे अटेंडेंस लेके भेजो, गर्मी बड़ी है। ठीक है बच्चों समझ आई? चले शुक्र है, गुड। सॉफ्ट कॉपी है ना आपके पास?